नमस्कार, किचन शेफ मास्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे कद्दू का हलवा, वो भी कद्दू बिना घी से बनाएंगे। कम मेहनत में ये हलवा बनकर तैयार होगा, तो चलिए हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लौकी को छीलते हैं। लौकी को हम छील लिए हैं और इस पार्ट को हटा देते हैं दोनों तरफ से। अब हम इसे बीच से कट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने कट कर लिया है। अब क्या करेंगे, जिसके बीच वाले पोर्शन को हटा देंगे। इसी तरह से हम सारे लौकी से पहले निकाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, सारे के हम बीज के पार्ट्स को निकाल दिए हैं और एक बार अच्छे पानी से धो देते हैं सबको। सबको पानी से धो लिया, अब सबको हम छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबको हम छोटे छोटे टुकड़े में काट दिए हैं। अब क्या करेंगे, एक मिक्सिंग का जार लेंगे और इसमें हम इसे पीस देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसे दो तीन बार में सारे को पीस लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से हम सारे को पीस लिए हैं और एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और इसका हम आधा पानी को निचोड़ देंगे। तो देखिए, एक बर्तन लेंगे, बर्तन पर हम छन्नी को रखेंगे और एक कॉटन का कपड़ा डाल देंगे और इसमें ये पिसी हुई लौकी को रख देंगे। और इस तरह से हम इसे निचोड़ लेंगे। लौकी में बहुत ज्यादा पानी होते हैं, इतनी पानी की जरूरत नहीं है हमें। हमें जल्दी से हलवा बनाकर तैयार करना है। देखिए, महीन भी नहीं है, ये लच्छेदार ही है। इसका हलवा लच्छेदार ही बनेगा। इसी तरह से हम सारे लौकी से पानी निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने सारे लौकी से पानी को निकाल लिया और इस पानी को भी हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम पी सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है। इस जूस को तो हम शेयर भी किए हैं, तो ये पानी को हम पियेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक साफ सुथरी कड़ाही लिए, उसमें हम एक छोटा चम्मच घी डाल दिए। कड़ाही गरम है हमारा, कड़ाही अच्छी तरह से सूख गई है। और सबसे पहले हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे, जो भी हमें इसमें यूज करना है। सबसे पहले हम खरबूजे के बीज को डाल देते हैं, एक बड़ा चम्मच लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद से कम ज्यादा कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो डालें। बादाम लिया है और ये थोड़ा सा छुहाड़ा है, इसे हम लंबे टुकड़े में काट लिए हैं। सारे को हम थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे, इससे क्या होगा, स्वाद बहुत अच्छा आएगा। गैस के फ्लेम को ऑन कर दिए हैं। अब हम इसमें दो बड़ा चम्मच घी डालेंगे। देसी घी ही यूज करना है, इससे हलवे में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गरम होने देंगे, घी हमारी मेल्ट हो गई है। अब हम सारे कद्दू को इसमें डाल देते हैं, इसे हम भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए। और देखिए दोस्तों, ये देसी कहते कोकोनट है, आप चाहे तो गेरी को भी घर में पीस सकते हैं। इसे हम साथ ही डाल देते हैं, क्योंकि ये भी जब भुनेगा तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो ये जरूर डालिएगा हलवे में।
अच्छे से, साथ ही इसे भी भूनेंगे। तो देखिए इसे हम 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भूने हैं और अब हम इसमें डालेंगे इसी कटोरी से 1 कटोरी दूध डाल रहे हैं। दूध के साथ मलाई भी लिए हैं। और इसे हम पकाएंगे। ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं है, बस 250 ग्राम दूध मलाई सहित ले लीजिएगा, हो जाएगा। तो देखिए हलवा हमारा 70% तक पक गया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी डालने से चीनी भी पानी छोड़ती है, तो बाकी जो कसर है वो भी पूरा हो जाएगा। तो 200 ग्राम हमने चीनी लिया है। और ये पूरा पक भी गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बूंद ग्रीन फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, इससे कलर थोड़ा अच्छा आ जाता है हलवा के अंदर। इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा छोटी इलायची का पाउडर डाल देते हैं फ्लेवर के लिए, ये भी ऑप्शनल है। और सबसे मेन चीज अब हम इसमें यूज करेंगे, ये है मिल्क पाउडर। ये है अमूल का मिल्क पाउडर, लीजिएगा, 10 रुपए का पैकेट आता है। इससे आपको बिल्कुल मावा का टेस्ट आएगा हलवे के अंदर। इसे आप डाल दीजिए सबसे अंत में, जब आपका हलवा बनकर रेडी हो जाए। और गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसमें मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह से। अब हम अपनी ड्राई फ्रूट्स को डाल देते हैं और हम गार्निशिंग के लिए भी रख लेंगे। और हलवे को कर देंगे सर्व। तो देखिए हलवे को हमने सर्व कर दिया है। ये बहुत ही लच्छेदार और स्वादिष्ट बना है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।